संविधान कैसे हैं आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रमाकांत यादव जो कि वो पहले बसपा के वो नेता रह चुके हैं, सांसद, पूर्व सांसद रह चुके हैं, अब वो सपा को ज्वाइनिंग कर लिए हैं, सपा पार्टी को वो ज्वाइनिंग कर लिए हैं। और ज्वाइनिंग करने के बाद आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है और सबसे बड़ी एक खुशी है कि रमाकांत यादव जी ने अपने नाम के आगे सूत्र लगाया है। उन्होंने अपने आवास पर कुछ लोगों को, अपने समर्थनों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद वहां पर अपने नाम के आगे उन्होंने सूत्र लगाया। और आपको बता दूं, जो हाथ में जो धागा होता है, बहुत सारे लोग पहनते हैं अनेक अनेक प्रकार की चीजों को, वो सारे धागाओं को उन्होंने कटवा दिया और कटवाने के बाद अपने नाम के आगे सूत्र लगाया। अपने लोगों को जो गुलामी की जंजीर थी, रक्षा सूत्र के माध्यम से अपने लोग आजाद कराने का काम हम लोग ज्यादा दिनस कर रहे हैं। आज हम लोगों ने तमाम हमारे साथी हैं, आजमगढ़ के हैं, जौनपुर के हैं, बनारस के हैं, मऊ के हैं, बलिया, देवरिया, फैजाबाद, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, तमाम जनपदों से आए हैं, बड़ी संख्या में आए हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं। आज हम सब लोगों ने अध्ययन करने के बाद ये फैसला लिया है, जो हमारे पूर्वजों ने एक रास्ता दिखाया है और बताया है, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, रामास्वामी पेरियार हैं, नाराना गुरु हैं, ज्योतिबा फूले जी हैं, महाराज साहू जी हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जगदेव प्रसाद जी हैं, रामस्वरूप वर्मा जी हैं, लोहिया जी हैं, तमाम हमारे पूर्वजों ने जो हमें बताया रास्ता, आज हम सब लोगों ने उस रास्ते को चुना अध्ययन करने के बाद और ये मन बनाया है, क्योंकि जब जब हम लोग किताबों को पढ़ते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हिंदू धर्म में चार वर्ण मिलते हैं, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र। तो हम न तो ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, तो निश्चित रूप से सीधे सीधे साबित होता है कि पूरा पिछड़ा और दलित समाज ये शूद्र है। इसलिए हम तमाम सैकड़ों, कई सौ साथी हमारे यहाँ पर हैं, तमाम जिले के लोग हैं, बगल में हमारे ये यादव जी खड़े हैं, लाल प्रताप यादव, इधर बगल में पूनम मौर्य जी हैं, ये हमारे साथी हैं, हमारे राजीव सिंह यादव जी हैं, तमाम लोगों ने हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम अपने समाज को संवारने के लिए, पाखंड से दूर रहने के लिए और अपने बच्चों को शिक्षा